गरीब मोदी परिवार कैसे हुआ मालदार, चेतावनी, कमजोर दिल वाले अंधभक्त ना देखें। मित्रों, मेरे परिवार में 7 पीढ़ी में राजनीति का रवि मालूम नहीं है। मेरे परिवार में कोई राजनीति क्या होती कुछ पता नहीं मेरे परिवार में। और मेरा बैकग्राउंड भी बिल्कुल सामान्य गरीब परिवार का है। मोदी जी के परिवार के बारे में बहुत कम सुनी गई पर बहुत ही दिलचस्प जानकारी मिली है, गौर से देखिए। सोमा भाई मोदी। सोमा भाई मोदी सेवानिवृत्त स्वास्थ्य अधिकारी, वर्तमान में गुजरात में भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अमृत भाई मोदी। अमृत भाई मोदी पहले एक निजी कारखाने में कार्यरत थे, अहमदाबाद और गांधीनगर में सबसे बड़े रियल एस्टेट कारोबारी हैं। प्रहलाद मोदी। प्रहलाद मोदी की राशन की दुकान थी, वर्तमान में अहमदाबाद और वडोदरा में हुंडई, मारुति और होंडा फोर व्हीलर शोरूम है। कुछ दिन पहले इनकी फॉर्च्यूनर के एक्सीडेंट होने की खबर भी आई थी। पंकज मोदी। पंकज मोदी पूर्व सूचना विभाग में, आज भर्ती बोर्ड में उपाध्यक्ष के रूप में सोमा भाई के साथ हैं। अरविंद मोदी। अरविंद मोदी एक स्क्रैप डीलर और अब रियल एस्टेट और प्रमुख निर्माण कंपनियों के लिए स्टील के एक ठेकेदार हैं। भारत मोदी। भारत मोदी एक पेट्रोल पंप पर काम कर रहे थे, आज वह अहमदाबाद में 11 पेट्रोल पंप का मालिक है। अशोक मोदी। अशोक मोदी के पास पतंग और किराने की दुकान थी, आज वह रिलायंस मॉल में भोगीलाल मोदी के साथ एक साझेदार हैं। तह मोदी जी अपने रिश्तेदारों की मदद नहीं करते हैं और इनकी तरक्की में मोदी से रिश्तेदारी का कोई हाथ नहीं है, लेकिन ये आज सभी अपने दम पर आत्मनिर्भर होकर करोड़पति बन गए हैं। वाह मोदियों वाह। आत्मनिर्भर भारत। वाह मोदी जी वाह वाह।